प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं। यहां उन्होंने लाइट वेट लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। बता दें कि पीएम मोदी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी दौरे पर गए थे। इस बाबत पीएमओ की तरफ से सूचना भी दी गई थी। बता दें हल्के लड़ाकू विमान तेजस स्वदेशी है। बता दें कि तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने में कई देशों ने रुचि दिखाई है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज जी एरोस्पेस ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन उत्पादन करने के लिए HAL के साथ एक डील भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उड़ान की तस्वीरों को भी साझा किया है। इन तस्वीरों में पीएम मोदी एयरफोर्स पायलट की वर्दी में दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं, हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें इस साल अप्रैल महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने इसे देश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि बताई थी। आपको बता दें तेजस की खासियत के बारे में, तो तेजस एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैट लड़ाकू विमान है। या साल भर किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इस विमान में 2 पायलट सीट है। इसे लेफ्ट यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर कहते हैं। इस एयरक्राफ्ट को ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इससे हमला भी किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL को 123 तेजस विमानों को तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। HAL द्वारा एयरफोर्स को 26 विमान डिलीवर किए जा चुके हैं। ये सभी तेजस Mk1 है। बता दें कि भविष्य में डिलीवर की जाने वाली तेजस विमान अपग्रेड होंगी।